राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर कटघरे में है। ये विवाद आरएएस 2018 परीक्षा में दिए गए नंबरों को लेकर है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के दो रिश्तेदारों का इस प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन हुआ है। इसको लेकर विपक्षी भाजपा हमलावर हो गई है। आरएएस 2018 परीक्षा के साक्षात्कार में आयोग के सदस्यों की ओर से दिए गए नंबरों को लेकर ये सवाल है। आयोग के अंकों के भंवर में इस बार शिक्षा राज्य मंत्री भी फंसे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू के भाई बहन के साक्षात्कार में समान नंबर आए हैं। विरोधी भाजपा इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। आरएएस 2018 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के अंक मंगलवार को आरपीएससी की ओर से जारी किए गए हैं। आरएएस परीक्षा के टॉप 20 अभ्यर्थियों में मुक्ता राव का नाम है, जिन्हें सबसे ज्यादा 526 अंक मिले हैं। इसके अलावा जयपुर की ही शिवाक्षी को 520 नंबर मिले हैं। हालांकि इस लिस्ट में टॉपर्स से ज्यादा चर्चा प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू के भाई गौरव और बहन प्रभा के नंबरों को लेकर है। दोनों ने आरएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों को ही साक्षात्कार परीक्षा में 80% अंक हासिल हुए हैं। इससे पहले 2016 में डोटासरा की पुत्रवधू को भी साक्षात्कार में 80 अंक मिले थे। डोटासरा के रिश्तेदारों ने 80-80 अंक आने के मामले में भाजपा ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो चमत्कार ही लगता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा गया कि एक ही परिवार के इतने लोगों को इतने अधिक नंबर आए हों। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉपर को साक्षात्कार में 77 अंक मिले और डोटासरा के रिश्तेदारों को ज्यादा नंबर मिले। अयोग को योग बना दिया जाता है और योग को अयोग बना दिया जाता है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आरपीएससी के इस मामले की जांच करवाएं, जिन्होंने गलती की उनको दंड दिया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में कहा कि निरपेक्षता की बात करने वाली सरकार की पोल खुल गई है। सरकार को सबके सामने आकर मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्वयं के साथ जब सत्ता आती है तो प्रतिभागी भी साथ लेकर आती है। ये संयोग है या प्रयोग, ये तो खुदा ही जाने, न जाने कब क्या हो जाए। स्कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा है। आरएएस परीक्षा बहुत ही पारदर्शी तरीके से होती है, इसमें काबिल बच्चे ही सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में बोर्ड सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ भी बैठते हैं। तमाम प्रक्रिया होने के बाद प्रतियोगी आरएएस बनते हैं, इसमें किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता। बता दें कि आरएएस भर्ती पहली बार विवादों में नहीं आई है। पिछली 4 आरएएस भर्तियों में विवाद के कारण ही 3-3 साल लग गए। ये विवाद भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार में रहे हैं। आंकड़े गवाह हैं कि इस वर्ष 2012 की भर्ती के चयनितों को 2015 में नियुक्ति मिली है। इसी प्रकार 2013 आरएएस भर्ती के चयनितों को 3 साल बाद 2016 में नियुक्ति मिल पाई है। ये क्रम 2016 में भी जारी रहा। इस परीक्षा में चयनितों को भी 3 साल बाद 2019 में नौकरी मिल पाई। अब 2018 की भर्ती का परिणाम ही 3 साल बाद 2021 में आया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।